यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो आप इस घर के नौकर हैं और आप सिक्योरिटी गार्ड, और आप तो सबसे चहेते होंगे, आपकी ही सवारी में मालिक बाहर जाते होंगे। आप लोगों के मालिक का मर्डर हुआ है, आपको कुछ भी नहीं मालूम? आप तीनों शक के घेरे में सबसे पहले हो। तो मिला कुछ वहां पर? जी हाँ, मर्डर के टाइम पे मर्डरर और विक्टिम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और विक्टिम के नाखून में मर्डर का खून आ गया। तो आई हैव टेकन द सैंपल, मैंने मर्डर का दंत का पेस्ट। जी हाँ, मैंने डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए सैंपल भिजवा दिए हैं। Welcome to Enlight Education Videos. My name is Ankit Patel and today in this video we are going to study about DNA fingerprinting. तो पहले ये सब बंद कर देता हूँ। अब seriously पढ़ते हैं DNA fingerprinting के बारे में। तो let's start about studying DNA fingerprinting. But before we start DNA fingerprinting, it is very very important to study about DNA polymorphism. तो ये DNA polymorphism क्या है? We have studied in Human Genome Project that every human individual is differing in their DNA sequence in the human genome by 0.1%, right? मतलब 99.9% DNA sequence हमारे सब लोग के genome में same है, but there is difference by 0.1% in all of us. मतलब मेरे से और कोई भी human individual ले लो, हमारे दोनों में difference कितना होगा? It should be, it is 0.1%. That difference would be by 0.1% approximately, average. Understood? तो ये इसी difference को हम लोग, ये जो जहां जहां पर ये difference होता है वही difference को हम लोग बोलते हैं DNA polymorphism. Understood? Exactly अगर मैं DNA polymorphism बोलू तो किस तरीके से बोलेंगे? Traditionally हम लोग DNA polymorphism किसको बोलते हैं? चलो इसके बारे में discuss कर लेते हैं। तो कोई भी क्रोमोसोम ले लेते हैं, लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 12 लेते हैं, तो उसका कोई भी एक लोकेशन ले लेते हैं। चलो ये लोकेशन, ठीक है, कोई भी एक लोकेशन ले लेते हैं, एक फिक्स लोकेशन कर लेते हैं कि भाई ये वाला लोकेशन। तो अब ये क्रोमोसोम नंबर 12 में कोई एक लोकेशन में एक से ज्यादा टाइप के सीक्वेंस है अलग अलग लोब में, अंडरस्टूड? एटलीस्ट एक से ज्यादा सीक्वेंस, मतलब एटलीस्ट टू टाइप ऑफ सीक्वेंस शुड बी देयर और मोर देन टू टाइप ऑफ सीक्वेंस शुड बी देयर, राइट? या तो दो या फिर दो से ज्यादा, लेकिन एटलीस्ट दो होने चाहिए। सबसे पहली बात ये कि दो सीक्वेंस, दो टाइप के सीक्वेंस होने चाहिए इन अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रोमोसोम। दूसरी बात क्या है कि अगर दो से ज्यादा टाइप के सीक्वेंस है या दो सीक्वेंस है, तो एटलीस्ट दो सीक्वेंस ऐसे, दो टाइप के सीक्वेंस ऐसे होने चाहिए जिनका फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा होना चाहिए इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन। Means its frequency should be more than 0.01 in a human population. एक पूरे human population में वो 0.01 frequency से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब it should be more than one. It should be more than in one person in every 100 people. Understood? हर 100 लोग में एक से ज़्यादा में at least दो अलग type के sequence होने चाहिए। Understood? Then only that kind of location, तभी वो location में DNA polymorphism है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। Understood? तो कोई भी एक chromosome ले लो, उसमें कोई भी एक location में, ऐसे हर अलग अलग chromosome में ऐसे अलग अलग locations हैं जिसमें DNA polymorphism मिलता है। Understood? But अगर हम लोग कोई एक polymorphism की बात करें तो कोई भी एक chromosome का कोई भी एक location ले लेंगे और उसमें DNA sequence, कितने type के DNA sequence अलग अलग लोग में देखने को मिलते हैं, और वो उसमें से कोई भी दो, एटलीस्ट कोई भी दो डीएनए सीक्वेंस का फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा होना चाहिए पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन में। देन एंड ओनली ट्रेडिशनली वी कैन से दैट इन दिस लोकेशन ऑफ दिस क्रोमोसोम नंबर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज एग्जिस्टिंग, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज एग्जिबिटिंग। अंडरस्टूड? तो ये होता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब इन फंक्शनल पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम, पूरे जीनोम में कोई भी फंक्शनल पार्ट, आई शुड से एक्सप्रेसिव पार्ट, राइट, जिसमें से ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, वो पार्ट जो है, मतलब जीन, राइट, जितने भी जीन वाले पार्ट डीएनए सीक्वेंस है जो एक जीन की तरह एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें से ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, कोडिंग रीजन है, जितने भी कोडिंग सीक्वेंस है, वो कोडिंग सीक्वेंस में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बहुत कम होता है। लेकिन जो नॉन कोडिंग रीजन है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं इन ह्यूमन जीनोम,
ज्यादातर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म वहीं पर होता है। ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर जीनोम, अगर कोडिंग रीजन में, कोडिंग सीक्वेंस में कहीं पर भी म्यूटेशन होता है, तो दैट म्यूटेशन इन मोस्ट ऑफ द टाइम दैट म्यूटेशन विल हैम्पर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल में वो म्यूटेशन है उसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हैम्पर होगा। अंडरस्टूड? अगर उसका कोडिंग रीजन में म्यूटेशन हुआ है तो क्या हो पाएगा कि भाई वो जो उसमें जो अलग सीक्वेंस बना है, दैट सीक्वेंस वो उसी तक लिमिटेड रहेगा, क्योंकि उसका आगे का जनरेशन नहीं आने वाला है, क्योंकि उसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी में ही हैम्पर हुआ है, मतलब प्रॉब्लम हुआ है, इम्पैड हो चुका है, तो उसके आगे का जनरेशन आएगा ही नहीं। तो वो जो एक नया वेरिएशन, नया वेरियंट बना, वो वहीं तक लिमिटेड होगा। दैट वेरियंट विल नॉट एड अप इन पॉपुलेशन। उसके मरने के बाद वो एड अप होगा ही नहीं वो पॉपुलेशन में। अंडरस्टूड? तो वहीं तक रह जाएगा, वो बंदे तक ही रह जाएगा, वो बंदे बंदी तक रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉन कोडिंग रीजन में कोई भी म्यूटेशन होता है, इट इज नॉन कोडिंग, तो उसमें से उसका कोई ट्रांसक्रिप्शन या कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, वो जीन ही नहीं है, इट इज नॉट इवन जीन, तो क्या फर्क पड़ता है? अंडरस्टूड? उसमें अगर म्यूटेशन होगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा? इट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट इट, नो प्रोटीन। और जो म्यूटेशन से फर्क नहीं पड़ता है वही म्यूटेशन आगे जाके पॉपुलेशन में एड होता है। कैसे? जो इंडिविजुअल में ये म्यूटेशन हुआ है उसमें कोई फर्क, उसका मेटाबॉलिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ा है, मतलब उसका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया है, उसका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी एकदम नॉर्मल है, तो उससे उसके डिसेंडेंट्स भी आएंगे, उस वजह से उसके डिसेंडेंट्स भी आएंगे, मतलब उनके बच्चे होंगे, उससे नेक्स्ट जनरेशन आएगा, नेक्स्ट जनरेशन कैरिंग सेम म्यूटेटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, म्यूटेटेड सीक्वेंस जो कैरी कर रहे होंगे, और फिर वो पॉपुलेशन में एड होंगे और उसमें रिकॉम्बिनेशन भी होगा, तो नए नए वेरियंट्स प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरीके से एक म्यूटेटेड डीएनए से इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस में जब म्यूटेशन हुआ तो वो म्यूटेशन पॉपुलेशन में एड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे म्यूटेशंस, जब अगर अभी तक देखिए हम लोग ने पहले से अभी तक में कितने सारे नए नए जनरेशन आए होंगे, और जो पॉपुलेशन का साइज है हमारा उसमें कितनी बार म्यूटेशन हुआ होगा। अंडरस्टूड? एंड बिकॉज ऑफ दीज म्यूटेशंस एंड देन रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज वेरिएंट्स। इफ वी कंपेयर दिस नॉन कोडिंग सीक्वेंस, अगर नॉन कोडिंग सीक्वेंस का म्यूटेशन अगर देखे तो कितने सारे वेरियंट्स होंगे, और यही वेरिएंट्स में जो डीएनए नॉन कोडिंग सीक्वेंस में जो डीएनए का डिफरेंस है, सीक्वेंस का डिफरेंस है, वही डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिस बन जाता है। अंडरस्टूड? इट इज एक्चुअली कंसिडरेबल रीजन वेयर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज एग्जिबिटेड। और ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्निप्स, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ लिया है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अंडरस्टूड? मतलब यहां पर डिफरेंस कितने कितने का होता है, मतलब पूरा सीक्वेंस सेम है, बीच बीच में कहीं पर एक न्यूक्लियोटाइड बदल गया, ए है या फिर जी है या फिर टी है या फिर सी है, अलग अलग रूप में ये चार में से अलग अलग सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पे का डिफरेंस होता है। अंडरस्टूड? इधर ए जी डी और सी इज प्रेजेंट। अंडरस्टूड? ये ब्लड ग्रुप जैसा, किसी में ए है, किसी में बी है, किसी में ए बी है, किसी में ओ है, तो इसी तरीके से किसी में ए है, किसी में जी टी एंड और सी है। And these SNPs are at different 1.4 million locations in whole human genome, right? So this is just one type of polymorphism. Another type of polymorphism is satellite DNA. These satellite DNAs are nothing but short sequence which repeats many times in different individuals, right? And this number of repeats is showing actually polymorphism. Means this sequence are same in different individuals, but number of repetition of this small sequences are different in different individuals. Understood? So these kind of short DNA sequences which repeats many times are called satellite DNA. And there are two types of satellite DNA depending on how long these short sequences are. That is mini satellites and micro satellites. Mini satellites are the larger one, though its name is mini, but it is larger than the micro. If we compare this mini satellites to micro satellites, mini satellites are larger one and micro satellites are smaller one, right? Let's discuss about micro satellite first so that it will be easier to understand about mini satellites, right? Okay, micro satellites are also called as STRs. STRs means short tandem repeats, right? And they are also called as SSRs, means
short sequence repeats, right? So they can be called as STRs or they can be called as SSRs. Understood? This satellite DNA, microsatellite DNA are of just 1 to 6 base pairs, right? They are comprising of just 1 to 6 base pairs, means they are only this much long. Understood? And if we talk about mini satellites, they are much greater than microsatellite, that is 0.1 to 20 kilo base pairs, right? 0.1, that means from 100 to 20,000 base pairs, right? This much long sequence of DNA can mini satellite have, right? And this mini satellite can be called as VNTRs, and this is very meaningful name. Why this is very meaningful name? First of all, we will go from the last word to the first word, right? First of all, repeats word is there, right? Repeats means there are several time repeats of short sequence of DNA is there, right? Tandem means short. So repeats of short sequences, tandem repeats, right? Short sequences are repeated again and again, right? So tandem repeats, number of tandem repeats means there are huge number of tandem repeats. Numbers are of repeatedly short sequence, tandem sequence, right? So there are repeatedly short sequence and variable number, right? That means for a particular VNTR, let's say the particular VNTR is repetitive in my genome for 562 times, right? And this sequence will be repetitive for some other individual, let's say it is 262 times. In every individual, this number of repetition is different, right? Means number of repetition is different. DNA sequence, the short sequences which get repeats again and again, those short sequences are same, but number of repeats are different. Understood? So they are called variable number. What is variable? Numbers of repeats are variable. So variable number tandem repeats. Understood? This is how its name is, VNTRs, variable number tandem repeats. And this is actually main form of DNA polymorphism which we can use for DNA fingerprinting. Perhaps we are only using VNTRs for DNA fingerprinting, right? We are using only VNTRs, that is mini satellites, for DNA fingerprinting. Nothing else we can use, right? Till right now, we don't have any other technology that use other kind of DNA polymorphism for DNA fingerprinting. Right now, we just have VNTRs. Only VNTRs can be used for DNA fingerprinting. That is for final, right? Nothing else. We cannot change this thing. This is fact, right? And this method, DNA fingerprinting, is given by Alec Jeffries. Oh my God, we have moved to DNA fingerprinting, isn't it? We were studying about DNA polymorphism and now we are studying about DNA fingerprinting, right? Okay, we have started about DNA fingerprinting, right? So there is a linker between DNA polymorphism and DNA fingerprinting, and that is VNTRs, right? Microsatellites, okay. Microsatellite DNA, okay. Alec Jeffries was a scientist who have developed this method called DNA fingerprinting, right? And in this, we are using exactly VNTRs. We have discussed a lot about it. Now, let's say what are the different steps which are involved in DNA fingerprinting. Because we have studied a lot about DNA polymorphism, let's study about DNA fingerprinting, right? In DNA fingerprinting, what we are doing? First method that we need to do is, I have already did for a crime scene, right? That is collection of sample. Right, that sample can be a blood from the crime scene, it can be, or it can be for other purpose, right? So sample can be blood, it can be saliva, it can be follicular cells which are present at the base of hairs, right? Body ke koi bhi hairs apne uske base mein follicular cells hote hain, white color ka follicular cells hote hain, right? Not hairs, because hair are consisting of proteins called beta keratin, melanin protein. ठीक है, तो इसमें ये सब, अगर व्हाइट हेयर है तो मेलानिन नहीं होगा, राइट? तो ये सब पिगमेंट्स होते हैं हमारे हेयर्स में, ये सब प्रोटीन्स होते हैं हमारे हेयर्स में, राइट? लेकिन उसमें डीएनए नहीं होता, लेकिन अगर उसका बेस हम लोग देखें, तो बेस में अगर मैं कोई भी अपना बाल
मेरे में तो इतने बाल है नहीं, लेकिन अगर कोई भी हेयर स्कैल्प हम लोग अगर रिमूव करें तो कभी कभी उसके साथ बेस का व्हाइट कलर भी आ जाता है. दैट व्हाइट कलर्ड पार्ट इज एक्चुअली हैविंग फॉलिकुलर सेल्स. दैट फॉलिकुलर सेल्स कैन हैव, आई मीन इट इज हैविंग डीएनए, राइट? तो कभी कभी हेयर सैंपल से भी मिल जाता है. इट कैन बी, आई मीन इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सीमेन, इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट मच मोर स्पेसिमेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिमेंस, राइट? तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ सैंपल होता है. सेकेंड इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सैंपल. क्यों आइसोलेशन, और आइसोलेशन का एग्जैक्ट मीनिंग भी क्या होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आइसोलेशन इसलिए बिकॉज देखो आइसोलेशन का मीनिंग भी कितना मीनिंगफुल है यहां पर, मतलब ये मेथड में कितना मीनिंगफुल है. आइसोलेट करना, डीएनए को आइसोलेट करना, ठीक है? किससे? तो सेल के अंदर कितनी सारी चीजें होती है भाई. मॉलिक्यूलर वाइज देखे तो, मॉलिक्यूलर वाइज देखे तो प्रोटीन होता है, डीएनए तो होता ही है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, क्या क्या, वाटर मॉलिक्यूल, विटामिंस, मिनरल्स, छोड़ो यार बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है? मेम्ब्रेन्स में तो जहां जहां पर मेम्ब्रेन है वहां पर तो फॉस्फोलिपिड तो है ही, अंडरस्टूड? तो ये सारे केमिकल से हम लोग को डीएनए आइसोलेट करना पड़ता है, राइट? तो इट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ डीएनए. तो सबसे पहले सेल के सारे अदर मॉलिक्यूलर कंटेंट से हमें डीएनए को आइसोलेट करना पड़ता है, राइट? डीएनए आइसोलेट हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये डीएनए को अगर इफ नेसेसरी वी विल डू पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अब ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, ठीक है? डिटेल में, इन डिटेल. राइट नाउ अभी इतना जान लो कि पीसीआर इज अ मेथड थ्रू विच वन कैन प्रोड्यूस, मतलब अ पर्सन कैन प्रोड्यूस बिलियंस ऑफ कॉपीज फ्रॉम जस्ट वन कॉपी ऑफ डीएनए. अगर आपके पास एक भी डीएनए का कॉपी आ गया, एक भी पूरा जीनोम आ गया, खत्म, आप उसका मिलियन कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो इट इज अ वेरी गुड मेथड टू प्रोड्यूस बिलियन कॉपीज ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए. तो आपके पास छोटा सा भी सैंपल है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, जस्ट केयर फॉर इट, आइसोलेट द डीएनए एंड पुट इट फॉर पीसीआर. अंडरस्टूड? डू पीसीआर ऑन दैट सैंपल और एंड यू विल गेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स विच विल यूज फर्दर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है? चलो अब ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम लोग ने कर लिया, बहुत सारे कॉपीज मिल गए, राइट? जनरली हमें प्रैक्टिकल फील्ड वर्क में हमें डीएनए के सैंपल्स कम मिलते हैं, राइट? हमेशा डीएनए का सैंपल्स कम होता है. जैसे यही सीन में देख लो कि हम लोग को डीएनए का सैंपल कहां से मिला, तो नाखून के बीच में से मर्डर का खून मिला है ना, विक्टिम जो है उसके नाखून और ये जो स्किन है उसके बीच में से मिला, भाई खुरेदते हुए आ गया होगा खून उसमें, isn't it? अपना खून तो कोई नाखून में नहीं भरेगा ना, अपने आपको तो कोई ऐसा नहीं करेगा ना, एक्सेप्ट मी टू शो यू ऑब्वियसली, अंडरस्टूड? तो इस तरीके से ब्लड उसका आया होगा, ऑब्वियसली उसने अपने आपको बचाने का ट्राई किया होगा, जो भी हो, तो उसके नाखून में ऐसे सैंपल्स मिलते हैं ब्लड में. अब हेयर्स में कितने फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और वो फॉलिकुलर सेल्स में कितना डीएनए होगा, है ना? तो उसके तो ये सब के लिए जब हम लोग फील्ड वर्क करते हैं, जब क्राइम सीन पे या ऐसा कुछ होता है जहां पर नोबडी वांट्स टू कम, आई मीन इट इज ये सब हिडन होता है, तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि हम लोग हमेशा पीसीआर करना पड़ता है, राइट? इवन ब्लड सैंपल भी मिलता है, तो ब्लड सैंपल में भी क्या होता है, ज्यादातर तो आरबीसी होता है, और पहले तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा होता है, 55% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा. चलो उसमें से वाटर सूख गया है, ठीक है, तो प्लाज्मा भी बहुत कम हो गया है, तो उसमें से भी मोस्ट ऑफ द सेल्स आर आरबीसी. आरबीसी में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो डीएनए तो भूल ही जाओ, ठीक है? अब बचता है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में भी तो नहीं है, आई मीन न्यूक्लियस ही नहीं है, तो डीएनए उसमें भी भूल जाओ, ठीक है? अब डब्ल्यूबीसी कितना होता है, मुश्किल से, अभी मुझे परसेंटेज तो याद नहीं है, लेकिन बहुत कम होता है, अंडरस्टूड? अगर सारे सेल्स के हिसाब से देखें तो बहुत कम डब्ल्यूबीसीज होते हैं. तो ये डब्ल्यूबीसीज में से ढूंढ ढूंढ के हम लोग, ये आइसोलेट करके हम लोग निकालते हैं, तो बहुत कम डीएनए मिलता है, और ये डीएनए हम लोग फिर यूज कर सकते हैं पीसीआर करके, हम लोग आगे के प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं. अगर अच्छा ऐसा मिला है, कोई सामने से आया है, भाई चलो अगर पैटर्निटी का डिस्प्यूट का केस है कि भाई एक बच्चा है, उसके लिए दो आज जन आगे बोलते हैं कि भाई मैं इसका पापा हूँ, मैं इसका पापा हूँ, अगर ऐसा केस है तो ब्लड सैंपल अच्छा ऐसा मिल जाएगा, या फिर कोई और सैंपल अच्छा ऐसा मिल जाएगा जिससे हमें पता चल सकता है कि भाई ये एग्जैक्टली किसका सन है, राइट?
तो पैटर्निटी डिस्प्यूट में सैंपल्स तो अच्छे से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे क्राइम जब होते हैं तो इट्स पीसीआर करना पड़ता है, राइट? मोस्ट ऑफ द केसेस पीसीआर करना पड़ता है, जैसे ये केस में पीसीआर करना पड़ा। उसके बाद अब ये पीसीआर हो गया, चलो पीसीआर के बाद अब क्या करना है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोग को बहुत सारे सैंपल मिले हैं उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग डाइजेस्ट करवाएंगे। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करवाने का रीजन क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा होता है कि उनके अपने साइट्स होते हैं, दे हैव देयर ओन साइट्स टू कट द डीएनए मॉलिक्यूल। तो वो अपने, जैसे एक कोई रेस्ट्रिक्शन साइट है उसका मान लो रेस्ट्रिक्शन, आई मीन एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका मान लो साइट ऐसा है AGGCCT, अंडरस्टूड? तो जहां जहां पर पूरा ह्यूमन जीनोम में जहां जहां पर AGGCCT है वो हर जगह पर वो कट कर देगा। Each and every place where AGGCCT is present, the DNA will cut, I mean enzyme will cut the DNA. अब मान लो कि दो ऐसे sequence है AGGCCT, ऐसे दो consecutive sequence है, उसके बीच में एक VNTR आ रहा है, ठीक है? अब देखो यहां पर तीन suspect है, अब ये तीन suspect से मैं sample ले रहा हूं, understood? और ये तीनों का मैं जब restriction एंजाइम से मैं इसको कट करवाऊंगा तो क्या है कि तीनों में VNTRs में नंबर ऑफ रिपीट्स अलग अलग होंगे, ऑब्वियसली, राइट? तो जिसमें VNTRs में नंबर ऑफ रिपीट्स ज्यादा होगा तो दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बीच में VNTR लंबा होगा, और जिसमें नंबर ऑफ रिपीट्स कम है उसका VNTR शॉर्ट होगा, है ना? तो हम लोग को अलग अलग लेंथ का, अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग लेंथ का हम लोग को VNTR मिलेगा। तो भाई जिसमें नंबर ऑफ रिपीट्स कम है उसमें VNTR शॉर्टर है, जिसमें नंबर ऑफ रिपीट ज्यादा है VNTRs में उसका VNTR लंबा है, राइट? इफ अ VNTR इज देयर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेस्ट्रिक्शन साइट या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट, राइट? तो और ऐसा होता ही है, ऐसा होता ही है, कभी कभी तो दो तीन VNTRs होते हैं विदिन टू कंसेक्यूटिव रेस्ट्रिक्शन साइट्स, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग को अलग अलग फ्रेगमेंट्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग फ्रेगमेंट्स के, अलग अलग फ्रेगमेंट साइज वाले, फ्रेगमेंट लेंथ वाले हम लोग को डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, अंडरस्टूड? अलग अलग लेंथ के डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हुआ और जिसके वजह से अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग लेंथ के डीएनए फ्रेगमेंट मिलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड RFLP, राइट? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, अंडरस्टूड? तो ये और एक मेथड है, ये और एक स्टेप है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब ये देखो डाइजेशन कर दिया हम लोग ने, अलग अलग फ्रेगमेंट्स बन गए डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स, राइट? डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हम लोग को डीएनए फ्रेगमेंट मिल गए, अंडरस्टूड? अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। व्हाट विल डू, वी विल डू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, अब यहां पर मुझे मालूम है बहुत सारी चीजें नई नई है, है ना? और काफी सारी चीजें आप लोग चैप्टर 11 में पढ़ने वाला हो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा, एंड आई विल ट्राई नहीं मतलब मेरा पूरा ट्राई ऐसा होगा कि आपको समझ में आ ही जाए, ठीक है? चलो अब यहां पर आप क्या करोगे, अब यहां पर हम लोग को क्या करना है, आप क्या करोगे, नहीं अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर, देखो अब ये करना है कि इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, तो वी आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टू डीएनए मॉलिक्यूल, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि डीएनए रख दिया उसमें दो टर्मिनल लगा दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? या फिर एक वाटर सॉल्यूशन में रख दिया और दोनों टर्मिनल रख दिया, ऐसे नहीं करना है। हाउ वी विल प्रोवाइड दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज, पहले तो हम लोग अग्रोस जेल का एक स्लैब बनाएंगे, रेक्टेंगुलर स्लैब बनाएंगे, राइट? हैविंग फोर वेल्स, उसमें फोर वेल्स होंगे। अब फोर वेल्स क्यों है, ये एक्चुअली मेरे स्पेशल केस के लिए फोर वेल्स है, ठीक है? तो ये वो केस के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितने वेल्स बनाने हैं आपको, अंडरस्टूड? यहां पर मैंने फोर वेल्स क्यों बनाया, क्योंकि एक मर्डरर का, मतलब जो विक्टिम के नाखून से जो ब्लड मिला था वो सैंपल का एक वेल है, ठीक है? वो सैंपल के लिए एक वेल है। फिर एक सस्पेक्ट नंबर वन जो नौकर था उसके लिए एक वेल है, दूसरा वेल है। फिर सस्पेक्ट नंबर टू सिक्योरिटी, तो उसके लिए तीसरा वेल है। फिर सस्पेक्ट नंबर थ्री जो वो हॉर्स, एक्चुअली हॉर्स में यूनिकॉर्न, लेकिन यहां पर मैं क्यों उसको एनिमल का नाम दूं, वो ड्राइवर है, अंडरस्टूड? चलो वो ड्राइवर है,
वो ड्राइवर का सैंपल है। तो यहां पर देखो तीन सस्पेक्ट है और एक मर्डरर का सैंपल है, अंडरस्टूड? तो इस तरीके से चार वेल्स है। तो यहां पर मैंने एक ऐसा अग्रोस जेल का रेक्टेंगुलर स्लैब बनाया है जिसमें चार वेल्स है, अंडरस्टूड? और चारों वेल्स एक अग्रोस जेल के एक साइड पर रहेगा, ठीक है? इट इज नॉट इन द सेंटर बट इट विल बी एट वन साइड, इट विल बी एट द ईदर साइड और वन साइड ऑफ द अग्रोस जेल, अंडरस्टूड? ये चार वेल्स रहेंगे और ये चार वेल्स में हम लोग उसके रेस्पेक्टिव डीएनए सैंपल डालेंगे जो डाइजेस्ट, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट हो चुके हैं, अंडरस्टूड? जैसे मर्डर का जो मर्डरर सैंपल के लिए जो मैंने वेल बनाया है उसमें मर्डर का सैंपल डालूंगा, सस्पेक्ट वन का जो वेल बनाया है उसमें सस्पेक्ट वन का डाइजेस्टेड सैंपल डालूंगा, ऐसे एस टू में एस थ्री में, अंडरस्टूड? एम एस वन एस टू एस थ्री, अंडरस्टूड? चार वेल्स बनाया ना, एक मर्डर के लिए, एक सस्पेक्ट वन, सस्पेक्ट टू, सस्पेक्ट थ्री, अंडरस्टूड? इस तरीके से चार वेल्स में चार अलग अलग सैंपल्स जाएंगे। चलो इतना तो हो गया, अब क्या करेंगे, अग्रोस जेल का जो रेक्टेंगुलर स्लैब है वो हम लोग ने इलेक्ट्रोफोरेसिस में रखा है, मतलब कि यहां पर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देंगे, जिस साइड में डीएनए है वहां पर नेगेटिव टर्मिनल देंगे और जो साइड में और उसके ऑपोजिट साइड में हम लोग देंगे पॉजिटिव टर्मिनल, अंडरस्टूड? तो क्या होता है, डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, क्यों? क्योंकि हम लोग ने देखा है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ, आई मीन डीएनए का पूरा बैकबोन डीऑक्सीराइबो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप का है, एंड फॉस्फेट ग्रुप जिसमें दो ऑक्सीजन एंगेज है राइबो शुगर के साथ लिंकिंग करने के लिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए, और दो ऑक्सीजन फ्री है, फ्री हम लोग, मतलब फ्री का मतलब या दोनों ऑक्सीजन एक एक नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो नेगेटिव चार्ज वाले हैं तो ऐसे, और पूरा डीएनए मॉलिक्यूल में डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट, और हर एक फॉस्फेट में दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसलिए तो हम लोग उसको एसिड बोलते हैं, बेचारा जो नेगेटिव होते हैं ना उसको एसिड ही बोलते हैं, ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है? इतनी केमिस्ट्री तो बायोलॉजी वालों को भी आती है। चलो, तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसका हम लोग ने तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल के साइड रखा हुआ है और सामने की साइड पॉजिटिव टर्मिनल है। नाउ ऑब्वियसली ऑल नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड दे आर रिपल्ड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, तो वो क्या होंगे, ये डीएनए मॉलिक्यूल अपने वेल में से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, दे विल ट्राई टू माइग्रेट विद इन द रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ डी आई मीन अग्रोस जेल, और अग्रोस जेल क्यों है, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग सीव्स एट मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे वो सीव्स प्रोवाइड करता है, अग्रोस जेल का जो पूरा टेक्सचर है उसके अंदर सीव्स, इट इज पोरस, तो उसमें सीव्स प्रोवाइड होगा एट मॉलिक्यूलर लेवल, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स कैन मूव विद इन द अग्रोस जेल। अब डीएनए मॉलिक्यूल में भी कैसे हैं, तो फ्रेगमेंट्स छोटे बड़े हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ शॉर्टर है, अंडरस्टूड? अभी एक ही ह्यूमन जीनोम के कितने सारे अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनेंगे, है ना, एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट से, अगर एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर हम लोग डाइजेस्ट करवाए तो, इजंट इट? तो जो शॉर्टर फ्रेगमेंट्स होंगे ना, दे कैन मूव इजिली इन द अग्रोस जेल, तो वो बहुत आगे चले जाएंगे, और जो लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स है, लॉन्गर मॉलिक्यूल्स, cannot move with that easiness in agarose gel. तो कुछ हद तक जाएंगे, फिर वहां पर उनका कुछ हद तक ही जा पाएंगे, they cannot move much ahead in the agarose gel. तो इस तरीके से जो longer DNA molecules है वो wells के नजदीक होंगे, और जो shorter DNA molecules है they will be towards the positive end, they are towards the positive end. अंडरस्टूड? मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ काफी आगे निकल चुके होंगे, अंडरस्टूड? तो कुछ टाइम के लिए ये हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसको देते रहेंगे, उसके बाद अग्रोस जेल को हम लोग यहां से निकाल देंगे, ठीक है? नाउ इस अग्रोस जेल में एक स्मियर बन चुका होगा, ऑब्वियसली दिस स्मियर इज नॉट विजिबल राइट नाउ बट इट इज हैविंग स्मियर, अंडरस्टूड? यह अभी मान के चलना है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट में, रिजल्ट हम लोग को बाद में मिलने वाला है, और जो रिजल्ट मिलने वाला है बिकॉज क्योंकि अभी स्मियर फॉर्म हुआ है, अभी हम लोग को डिस्क्रीट बैंड्स नहीं मिलेंगे, बैंड्स मिलेंगे बट दे आर नॉट दैट मच क्लियर, अंडरस्टूड? तो अभी थोड़ा सा डिस्क्रीट मिलेगा, तो स्मियर एक मिलेगा हम लोग को, स्मियर मतलब हम लोग ने मालूम है 11th स्टैंडर्ड में ऐसा किया था कि भाई एक स्लाइड है, प्रैक्टिकल किया था अपने ब्लड का, तो हम लोग ने क्या कहते हैं, एक ड्रॉप रखा था एक स्लाइड में, फिर ऊपर दूसरी स्लाइड थी और ऐसे मूव किया था जिससे
जो रखी हुई स्लाइड थी उसमें ब्लड ड्रॉप का स्मियर बन गया था, वो पूरा एकदम स्प्रेड हो गया था स्लाइड पे बहुत अच्छे से, इजंट इट। तो ये मेथड, तो यहां पर जो स्मियर बना ना वैसे उस टाइप का कुछ यहां पर भी अग्रोस जेल के अंदर में भी फोर वेल्स से आगे की साइड टुवर्ड्स द पॉजिटिव स्मियर्स बनेंगे, अंडरस्टूड? मतलब फोर स्मियर्स विल फॉर्म फ्रॉम द फोर वेल्स, अंडरस्टूड? ओके, दैट इज नॉट विजिबल फॉर राइट नाउ, ठीक है। अभी हम लोग ये अग्रोस जेल को NaOH सॉल्यूशन में रखेंगे, NaOH सॉल्यूशन में रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये चीज बुक में नहीं दी हुई है, ये चीज मैंने अपने आप से ढूंढ के आपको बता रहा हूं, ठीक है। बिकॉज आई हैव गॉट दिस क्वेश्चन इन माय माइंड, कि आगे हम लोग पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, ठीक है। तो दिस डीएनए मॉलिक्यूल नीड टू गेट सिंगल स्ट्रैंडेड, दिस डीएनए मॉलिक्यूल्स विच आर देयर इन अग्रोस जेल, इन स्मियर ऑफ अग्रोस जेल आर डबल स्ट्रैंडेड, दे नीड टू बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स, और सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स करने के लिए इसमें हम लोग NaOH सॉल्यूशन डालेंगे, अंडरस्टूड? तो दिस तो फिर ये डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाएगा और एंड दे बिकम सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, अब वो सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल हो जाएंगे, अब सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल हो जाएंगे, अब ऐसे रखना है, उसका एडवांटेज हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसका एक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दो इट इज नॉट गिवन इन आवर बुक बट इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अंडरस्टूड? ठीक है, चलो अब क्या हुआ, डीएनए अग्रोस जेल में स्मियर है और उसमें सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। अब ये अग्रोस जेल हम लोग एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे रख के, जो रेक्टेंगुलर स्लैब है अग्रोस जेल का, वो एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे रखेंगे। दिस सिंथेटिक मेम्ब्रेन कैन बी नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर और नायलॉन पेपर और मेम्ब्रेन, अंडरस्टूड? तो सिंथेटिक मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर अग्रोस जेल रखेंगे और जो स्मियर अग्रोस जेल में बना है वही स्मियर वैसा का वैसा ही हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू दी to this artificial membrane, to this synthetic membrane, artificial नहीं, to this synthetic membrane, understood? Nitrocellulose और nylon जो use किया है वो membrane में हम लोग transfer करेंगे, वैसा का वैसा smear जाना चाहिए, understood? That smear should not be disturbed while passing it to the nylon or nitrocellulose paper, understood? चलो transfer कर दिया, अब वही का वही smear nylon membrane में या nitrocellulose membrane में जो use किया है उसमें रहेगा। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, कि चलो स्मियर तो बन गया, अब यहां पर हम लोग ऐड करेंगे रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब्स, अंडरस्टूड? रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब्स। अब आप फिर से सोचोगे सर हम लोग ने अभी तक आइसोलेशन क्या है वो पढ़ा, PCR क्या है वो ऊपर ऊपर से देख लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लिया, सिंथेटिक मेम्ब्रेन में भी देख लिया, अब ये फिर से नया आ रहा है प्रोब्स, ठीक है। तो धीरज रखो भाई, फिर से देख लेना वीडियो, लेकिन ये सब जानना तो पड़ेगा, ठीक है। प्रोब्स क्या होता है, अब प्रोब ये चीज है कि चलो मुझे ढूंढना है कि GGG CTC डीएनए सीक्वेंस कहां है, इफ आई वांट टू फाइंड दिस डीएनए आई नीड टू यूज इट्स प्रोब, इसका प्रोब क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम लोग प्रोब की तरह ले सकते हैं, जैसे GGG CTC है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा, CCC GAG, अंडरस्टूड? तो ये मैं सीक्वेंस लैब में बना दूंगा, ठीक है, GGG CAC लैब में बना दूंगा। अब जो मुझे सैंपल डीएनए मिला है उसमें अगर मुझे देखना है कि ये GGG CTC कहां पर है, ये सीक्वेंस मुझे ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो मैं अपना प्रोब लेके जो GGG CTC का कॉम्प्लीमेंट्री है CCC GAG, इसको मैं यहां पर ऐड करूंगा और देखूंगा कि ये कहां कहां पर हाइब्रिडाइज हो जाता और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देता है ना, क्योंकि अंदर में तो सारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, और अगर यहां पर मैं कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर रहा हूं तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब, और ये मैं जो यहां पर CCC GAG वाला सिक्वेंस में अगर एड करूं तो वो कहां पर जाके बाइंड हुआ, तो जहां जहां पर GGG CTC सिक्वेंस है वहीं पर ये CCC GAG जाके बाइंड होगा, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और जहां जहां पर ये सीक्वेंस नहीं है GGG CTC जहां पर नहीं है वहां पर CCC GAG बाइंड नहीं होगा, ये बहुत हो गया नहीं GGG CTC GAG, ठीक है। चलो आपको समझ में आ गया ना प्रोब डीएनए का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा प्रोब, मतलब हम लोग ने एक ऐसा स्पाई डाला है जो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है,
एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एज अ स्पाई हम लोग ने रखा हुआ है, उसको नाम दे दिया प्रोब। अब ये VNTR प्रोब क्यों है? क्योंकि दिस प्रोब इज मेड फॉर VNTR सीक्वेंसेस ओनली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड VNTR प्रोब्स। ये VNTR की कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड VNTR प्रोब्स, अंडरस्टूड? और रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब्स क्यों है? बिकॉज इसमें कुछ एलिमेंट्स रेडियो लेबल्ड होते हैं, जैसे आप लोगों ने हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था ना कि फॉस्फोरस P32, ऐसे यहां पर फॉस्फोरस भी ले सकते हैं रेडियो लेबल्ड करके, अंडरस्टूड? रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस ले सकते हैं करके नहीं, रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस ले सकते हैं, राइट, हैविंग एटॉमिक मास 32। तो इस तरीके से रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब्स लेंगे हम लोग, तो यहां पर हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और यहां पर पता अभी पता चला ना कि भाई क्यों सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को क्यों हम लोग ने सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया था, इजंट इट? अंडरस्टूड? तो डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए क्यों किया था, कन्वर्टिंग इट इनटू सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल क्यों किया था, अभी पता चला ना। तो जब ये स्टेप में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सारे डाउट्स हुए थे कि भाई ये सिंगल स्टैंडर्ड हुआ कब, हम लोग ने तो पढ़ा ही नहीं कि ये सिंगल स्टैंडर्ड हुआ कब। तो मैंने अपने आप से फाइंड किया और मुझे पता चला कि भाई यूजिंग NaOH मॉलिक्यूल्स जस्ट आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस बिटवीन, आई मीन बिफोर putting down into synthetic membrane, we can use NaOH molecule to make it single stranded. और जब हम लोग इसको hybridize करेंगे VNTR, I mean radio leveled VNTR probes से, तो वो जो ये radio leveled probe है, वो smear नहीं बनाएगा, तो वो एक discrete rectangles बनाएगा, understood? Rectangles कैसे बनेंगे? मतलब कोई rectangles पतला है, कहीं पर मोटा है, पतला है, मोटा है, डिपेंडिंग। अब ये प्रोब्स है ना, वहीं पर बाइंड हो गए, जैसे अभी मैंने वो सीटीसी जीएजी वाला बताया था ना, उसी तरीके से ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, ये प्रोब है तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे जाके बाइंड होगा, अंडरस्टूड? एंड दिस विल फॉर्म, और ये जहां जहां पर ये प्रोब गया है तो वो एक कैसा एरिया बनेगा, भाई ये रेक्टेंगल है उसमें प्रोब्स है, दूसरा रेक्टेंगल है उसमें प्रोब है, अंडरस्टूड? तो वो एक रेक्टेंगल, कुछ रेक्टेंगल्स पतले होंगे, कुछ रेक्टेंगल्स मोटे होंगे, पतले मोटे, बीच में किसी दो रेक्टेंगल के बीच में स्पेस कम है तो किसी दो रेक्टेंगल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर टाइप के पैटर्न्स बनाएगा, जैसे बारकोड में होता है, अंडरस्टूड? बारकोड में कुछ ऐसा ही होता है ना, तो इस तरीके से इसमें पैटर्न्स बनेंगे, लेकिन अभी भी दिखेंगे नहीं, आप अभी भी मान के चलना है कि ऐसा पैटर्न बन गया है, अंडरस्टूड? दिस पैटर्न्स आर देयर इन सिंथेटिक मेम्ब्रेन, राइट, विच कैन बी नायलॉन और नाइट्रोसेल्युलोस। चलो यहां पर तो पैटर्न बन गया, अब यहां पर क्या करना है, तो अब ऐसा होगा कि अब इसको ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे हम, क्या करेंगे? ऑटो रेडियोग्राफी के लिए हम लोग ये मेम्ब्रेन के नीचे वी विल पुट एक्सरे फिल्म, हम लोग एक्सरे फिल्म रखेंगे, ठीक है? अब बिकॉज आवर प्रोब आर रेडियो लेवल, तो ये रेडियो लेवल प्रोब की वजह से जहां जहां पर रेडियो लेवल प्रोब है हमारे मेम्ब्रेन में, वहां वहां पर एक्सरे फिल्म में आयोनाइजेशन होगा, और ये आयोनाइजेशन की वजह से वहां पर कलर चेंज होगा। तो ये जो जहां जहां पर मैंने बताया ना आपको कि VNTR के जो प्रोब्स है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज हो गए, जस्ट लाइक बारकोड, तो उसकी वजह से एक्सरे फिल्म में भी जहां जहां पर VNTR प्रोब ये मेम्ब्रेन में है वहां वहां पर ये एक्सरे फिल्म में कलर चेंज होगा। तो एक तो जो पैटर्न VNTR प्रोब्स का है नायलॉन मेम्ब्रेन में, वही पैटर्न से कलर चेंज होगा एक्सरे फिल्म में, तो उसका पूरा पैटर्न हम लोग को एक्सरे फिल्म में मिल जाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी। अब ये ऑटो रेडियोग्राफी तो आप पूछोगे ही नहीं क्या है, इजंट इट? और चलो मैं बताऊंगा भी नहीं क्या है, अंडरस्टूड? क्योंकि अभी ये आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है? यू आर जस्ट इन 12th स्टैंडर्ड, यू आर जस्ट 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, दो आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन ऑटो रेडियोग्राफी आपके लिए बहुत कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, राइट? तो चलो मैं आपको ऑटो रेडियोग्राफी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ऑटो रेडियोग्राफी से एक्सरे फिल्म में क्या होता है ये जानना जरूरी है, ठीक है? आयोनाइजेशन होता है एक्सरे फिल्म में, और आयोनाइजेशन की वजह से एक्सरे फिल्म में कलर चेंजेस होते हैं, और जो पैटर्न VNTR का प्रोब, VNTR प्रोब का सिंथेटिक मेम्ब्रेन में है वही पैटर्न से कलर चेंज होता है एक्सरे फिल्म में, और इसी के वजह से एक्सरे फिल्म में वो पैटर्न बनता है जो पैटर्न से VNTR प्रोब प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में। अंडरस्टूड? अब ये एक्सरे फिल्म जब देखेंगे हम लोग, चार सैंपल के पैटर्न्स हैं, ठीक है? एक मर्डरर का, सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2 एंड सस्पेक्ट 3।
तो ये मतलब ये सब लोग का ये चार हम लोग को पैटर्न्स मिला है, ठीक है। अब ये पैटर्न कंपेयर करेंगे तो कौन मर्डरर है पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? कि भाई जिसका पैटर्न सेम मर्डरर का और सस्पेक्ट 1, 2, 3 से जिसका पैटर्न सेम होगा वही मर्डरर है। अगर एक का भी सेम नहीं है तो इसमें से एक भी मर्डरर नहीं है, समबडी एल्स इज मर्डरर। अंडरस्टूड? तीनों का सेम है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों जुड़वा भाई भी नहीं है और क्लोन भी एक दूसरे के नहीं है। तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट ऑल ऑफ देम आर हैविंग सेम सीक्वेंस और आर हैविंग सेम पैटर्न। अंडरस्टूड? तो चलो हम लोग इसका डीएनए फिंगर अभी हम लोग इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो कर लिया, अभी हम रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट में हम लोग को क्या मिलेगा कि भाई मर्डर में जो पैटर्न मिल रहा है वही सेम पैटर्न, एग्जैक्टली सेम पैटर्न मिल रहा है हम लोग को सस्पेक्ट नंबर 1 में। मतलब सर्वेंट नौकर ने किया था मर्डर। अंडरस्टूड? तो जो आपने देखा था ना वो लाल कलर का नाइफ अंदर स्टैब किया हुआ था 2-3 बार, पता नहीं कितनी बार, ठीक है। वो तो अच्छे से दिख नहीं रहा था, इतना सारा ब्लड ब्लड था, टोमेटो सॉस था, पता नहीं क्या था। Exactly. तो who is the murderer? Suspect number 1। और suspect number 2 और 3 का अगर हम लोग pattern compare करते हैं murderer के pattern से, तो they are quite different from pattern of murder। तो यही होता है DNA fingerprinting में। And ये सब बहुत अच्छा method है। This is believed to be a very good evidence for court. Understood? To present in court. Understood? जब भी कोई क्राइम क्रिमिनल केस आता है, आई मीन मर्डर केस होता है या ऐसा कुछ भी केस होता है जहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिकम्स एविडेंस, तो वो एक बहुत ही पक्का स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। अंडरस्टूड? इवन पैटर्निटी डिस्प्यूट के इश्यूज में भी। अंडरस्टूड? तो और भी ऐसे कुछ है केसेस जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होता है, एंड इट इज हाईली यूज्ड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। अंडरस्टूड? So this is about DNA fingerprinting, and we have studied about DNA polymorphism as well. Hope you liked that video and you have learned from this video. और आपने सारे ideas ये video से clear किए होंगे। DNA fingerprinting थोड़ा सा confusing है। In fact, this chapter molecular basis of inheritance और जो आगे chapter पढ़ने वाले हैं वो bit confusing है, क्योंकि बहुत सारे नए नए topics हैं, बहुत सारे नए नए concepts हैं, and these concepts are really going in hell of depth, isn't it? तो थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट वर्ड आप लोग डिक्शनरी में होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चैलेंजिंग है, पढ़ने में मजा आता है, कुछ ऐसा मिलता है कि चलो भाई हम लोग को चैलेंज करें, isn't it? तो ये चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं विच वी नीड टू फोकस मोर। तो अभी के लिए चलो गुड बाय। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आपकी एग्जाम खत्म हो चुकी और है अगर, तो आप लोग इसको मैक्सिमली शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट? सब्सक्राइब तो अभी आप कर ही सकते हो भले आपके एग्जाम चल रही हो, लेकिन आई वुड नॉट से टू वॉच होल वीडियो इफ योर एग्जाम इज करंटली रनिंग, राइट? क्योंकि आप आधे से ज्यादा घंटा आप ये वीडियो में देख लोगे तो यू विल वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपकी अगर एग्जाम अभी नहीं है तो आप लोग भी पूरा वीडियो देखो, समझो अच्छे से, right? It is very, very important. Okay? Chalo, goodbye.